हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूं राज। दोस्तों, लेके आए दोस्तों आज एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, हरियाणा के स्टेडियम, जो बहुत कम टाइम के साथ दोस्तों हम कवर कर लेंगे। 20+ स्टेडियम जो हरियाणा के बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, और एक फनी की सी ट्रिक के साथ जो है कवर करेंगे। उसके बाद लेंगे दोस्तों एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट। तो दोस्तों, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले बात कर लेते हैं बलिदान स्टेडियम की, और बलिदान की बात करें तो राइट ऑप्शन सी रहेगा, चरखी दादरी के अंदर। याद कैसे करेंगे, दादरी के अंदर दादा शब्द आ रहा है, दादा, ठीक है दोस्तों। तो हमारे बाप दादाओं ने जो है बहुत बलिदान दिया है, तब जाके हम जो है आज़ाद हुए हैं, तब जाके हमारा भारत आज़ाद हुआ है। महात्मा गांधी ने बहुत चरखा चलाया, ऐसे भी कर सकते हैं, चरखा चला के भी उन्होंने बलिदान दिया, ठीक है। तो ऐसे करके हम कवर करेंगे कि दादाओं ने जो है वो बहुत बलिदान दिया, तब जाके हम आज़ाद होंगे। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे दादाओं ने बलिदान दिया, तब जब हम आज़ाद हुए। तो राइट ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू स्टेडियम कहाँ स्थित है। ये स्टेडियम दोस्तों भूल जाते हैं, इसलिए इसको ट्रिक के साथ थोड़ा सा कवर करना जरूरी है। नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित दोस्तों, और पहले गुरु सिर्फ पंडित हुआ करते थे। प्राचीन काल की हम जो है बात उठाएं तो पंडित क्या होते थे दोस्तों, गुरु होते थे। प्राचीन काल में पंडित ही गुरु होते थे, ठीक है। तो नेहरू स्टेडियम हमारा स्थित हो जाएगा गुरुग्राम के अंदर। और नेहरू को दोस्तों, चाचा नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था, और बच्चों के वो क्या थे, गुरु थे। बच्चों के क्या थे, गुरु थे। तो ऐसे भी हम कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाहर सिंह स्टेडियम स्थित है। तो दोस्तों, नाहर में हर आ रहा है, और हर मतलब हरि का नाम जपना दोस्तों, ठीक है। और एक हरि का नाम रह गया है जो फरी में लिया जा सकता है, जो हरि का नाम एक फरी में लिया जा सकता है। बाकी दोस्तों मोह माया में दुनिया लुप्त हो चुकी, विलुप्त जो है हो चुकी है। तो नाहर के अंदर हर शब्द उतारेंगे, हर का मतलब हरि, और हरि का नाम दोस्तों फरी में लिया जाता है। एक हरि का नाम ही है जो फरी में लिया जा सकता है, और तो हर जगह आजकल मोह माया में विलुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्कंडेश्वर स्टेडियम। वैसे तो मार्कंडेश्वर स्टेडियम का नाम आते ही कुरुक्षेत्र का अपने आप नाम जो है दिमाग में आ जाता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र मार्कंडे जो तीर्थस्थल है वहाँ से। लेकिन दोस्तों इसकी भी ट्रिक बना लेते हैं। मार्कंडेश्वर के अंदर मार्क आ रहे हैं, यानी मार्क्स दोस्तों, अच्छे जब मार्क्स हमारे आते हैं तो हमें शाबाश तो मिलती है। अच्छे मार्क्स आएंगे तो क्या मिलेगी, शाबाश तो मिलेगी। तो शाहबाद कुरुक्षेत्र के अंदर ये हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी। भगत सिंह स्टेडियम दोस्तों, भगत, और जो भक्ति भावना में जो लिप्त रहते हैं, भक्ति भावना के अंदर उनमें दोस्तों बहुत रस होता है। सिरसा के अंदर रस आ रहा है दोस्तों, सिरसा के अंदर क्या आ रहा है, रस। और जो भक्ति भावना के अंदर, ये दोस्तों पूरा नाम हो जाएगा भगत सिंह स्टेडियम, ये सिरसा के अंदर है। साथ सतनाम जी स्टेडियम भी दोस्तों सिरसा के अंदर, वो ऑटोमेटिकली जो हमें याद आ जाएगा, इसलिए वो मैंने क्वेश्चन नहीं डाला इसमें। भगत सिंह और जो भक्ति में लीन होते हैं उनके अंदर बहुत रस होता है, तो सिरसा के अंदर रस उठाएंगे, तो राइट ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरगा गोल्फ कोर्स स्टेडियम। ये क्वेश्चन अनटच बनता है, खरगा गोल्फ कोर्स स्टेडियम। राइट ऑप्शन दोस्तों इसका हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, अंबाला। और अंबाला दोस्तों खरगा के अंदर खर मतलब दोस्तों खारा, खर मतलब खारा, और खारा क्या नहीं होता, आम नहीं होता। खारा क्या नहीं होता, आम नहीं होता। ऐसी ट्रिक के साथ हम कवर कर लेंगे। खरगा गोल्फ कोर्स स्टेडियम स्थित है अंबाला के अंदर, और आम दोस्तों हमारा खारा नहीं होता। खरगा मतलब दोस्तों खारा, और खारा नहीं होता आम, राइट ऑप्शन डी रहेगा। सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम, और बोस आज तक जितने भी बोस हुए हैं दोस्तों, जैसे कोई कंपनी में बोस है, कोई कहीं बोस है, कोई बैंक में बोस है, ठीक है, कोई किसी डिपार्टमेंट के अंदर बोस है, उस बोस की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो दोस्तों एक पल का भी चैन हमें नहीं लेने देते, पलवल दोस्तों, ठीक है, याद कर लेंगे हम पलवल से। तो एक पल का भी, जितने भी बोस हुए हैं आज तक जो है, आप भी किसी कंपनी या किसी जगह पर काम करते हो तो आपका बोस बिल्कुल दोस्तों पता ही है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ए रहेगा, पलवल के अंदर बोस जो है वो हमें एक पल भी आराम नहीं करने देता। ताऊ देवीलाल स्टेडियम, ताऊ देवीलाल की दोस्तों बात करें तो एक तो दोस्तों ताऊ देवीलाल स्टेडियम हो जाता है, एक ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम हो जाता है। दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ताऊ की बात करें दोस्तों तो राइट ऑप्शन इसका हमारा सी रहेगा, गुरुग्राम के अंदर, ठीक है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम। तो इसके दोस्तों हम ट्रिक कैसे बनाएंगे कि ताऊ जो है दोस्तों वो बहुत गर्म है, गुरुग्राम के अंदर गर्म उठा लेंगे, पिछला ग्राम उठा लेंगे दोस्तों हम, ठीक है। ताऊ का स्वभाव जो है, ताऊ आज तक जितने देखे हैं वो गर्म ही मिलते हैं, तो ताऊ गुरुग्राम के अंदर गर्म आ रहा है दोस्तों। तो ऐसी हल्की सी ट्रिक के साथ इसको हम कवर कर लेंगे। ताऊ देवीलाल स्टेडियम दोस्तों अलग है, ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम अलग है, दोनों के दोनों दोस्तों स्टेडियम अलग है। तो ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें कवर करेंगे। तो ताऊ का स्वभाव देखा जाए तो गर्म मिलता है, तो गुरुग्राम ऐसे हम इसको कवर कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भीम स्टेडियम। भीम स्टेडियम दोस्तों इसमें ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, पहला डिजिट इसमें मैच हो जाएगा, ठीक है। बी से हमारा भीम बनता है और बी से ही हमारा भिवानी बनता है, तो राइट ऑप्शन इसका हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम। यहाँ क्रिकेट स्टेडियम की हम बात कर रहे हैं, क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो राइट ऑप्शन बी रहेगा, पंचकूला। और ताऊ ताऊ वैसे तो दोस्तों गर्म है ताऊ, लेकिन जब क्रिकेट खेलते हैं तब थोड़ा सा कूल स्वभाव उनका रहता है, कूला के अंदर कूल आ रहा है। जब क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं तब थोड़े से कूल रहते हैं, अदरवाइज तो वो दोस्तों जो है गर्म ही रहते हैं, ठीक है। तो ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम, ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम हमारा हो जाता है पंचकूला। पंचकूला के अंदर कूल शब्द हम जो है उठा लेंगे। द्रोणाचार्य स्टेडियम, और द्रोणाचार्य स्टेडियम के अंदर दोस्तों रोना आ रहा है, रोना, द्रोणा मतलब रोना, और रोना दोस्तों जब आता है तो तब आते हैं हमें याद ईश्वर, ईश्वर यानी दोस्तों हमारे भगवान, ठीक है। तो जब भगवान याद आते हैं तो दोस्तों हरियाणा के अंदर जो धर्मनगरी जिसको कहा जाता है, हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा मंदिर, सबसे ज़्यादा जो है हमारे तीर्थस्थल, वो हमारे जो है कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। जब रोना आता है तो दोस्तों हमें तीर्थ पे जाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, वहाँ से स्नान करना पड़ेगा, वहाँ से पवित्र होना पड़ेगा। तो रोना आएगा तो दोस्तों हमें क्या आते हैं, भगवान, और भगवान से जुड़ा हुआ शब्द हमारा कुरुक्षेत्र बन ही जाता है, तो राइट ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ आरा बाग स्टेडियम, जहाँ आरा बाग स्टेडियम, ये दोस्तों बाग बगीचे जितने भी हैं, जहाँ भी बाग है, ठीक है, सबके अंदर कुछ ना कुछ जहरीली चीज़ें फेंकी जा रही है आजकल। झज्जर को दोस्तों हम हमेशा जहर पड़ते आए हैं, कुछ ना कुछ जहर जहरीली चीज़ें जो है आजकल बाग लहलहाते हुए दिखाई जरूर देते हैं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ जहरीली चीज़ें फेंकी जाती है, या बाग बगीचे पार्कों के अंदर जितना जहर फैला हुआ है उतना कहीं आज के टाइम में जहर नहीं फैला हुआ। आज पार्कों में जाके देख लो, बाग बगीचों में जाके देख लो, हर जगह क्या फैला हुआ है, जहर। मैं किस टाइप की जहर की बात कर रहा हूँ शायद आप समझ गए होंगे। तो जहाँ आरा बाग स्टेडियम हमारा राइट ऑप्शन डी रहेगा, झज्जर के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेलोड्रम स्टेडियम। वेलोड्रम स्टेडियम दोस्तों हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र। दोस्तों वेलोड्रम स्टेडियम कहाँ हो जाएगा हमारा, कुरुक्षेत्र के अंदर। याद कैसे करेंगे, वेलोड्रम के अंदर लोड शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है, लोड। और जब भी हमारे माइंड पर लोड आता है, जब भी हम लोडेड होते हैं, ठीक है, तो हमारे दिमाग में या किसी टाइप का लोड होता है, किसी टाइप की टेंशन होती है, तब हम भगवान को याद करते हैं, ठीक है। किसी भी टाइप की लोड लगा लो आप, ठीक है, तो लोड जब होगा तो दोस्तों हम भगवान को याद करेंगे, और भगवान शब्द जुड़ा हुआ है कुरुक्षेत्र से, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी रहेगा। इसकी और एक और ट्रिक भी बना सकते हैं, ड्रम। ड्रम के अंदर पानी भरा जाता है और मीठा पानी दोस्तों पिलाया जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन इसको हम कवर कर सकते हैं। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन बी रहेगा हमारा, कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा राज्य खेल परिसर बिल्ट स्टेडियम। बिल्ट के अंदर बिल आ रहा है दोस्तों, बिल, बिल जो हम भरते हैं किसी चीज़ का बिल। जब बिल कोई घर देने आता है तो वो फ्री में देके जाता है, और जब हम वापस जमा करवाने जाते हैं तो पैसे लगते हैं, ऐसे हम कवर कर लेंगे, ठीक है। हरियाणा राज्य खेल परिसर बिल्ट स्टेडियम, ये दोस्तों बिल्ट परिसर स्टेडियम है, ठीक है, वो फरीदाबाद के अंदर है। फुटबॉल बिल्ट स्टेडियम है दोस्तों, वो यमुनानगर के अंदर है। वो कहाँ है, यमुनानगर के अंदर है। दोनों के दोनों क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं और अलग अलग कवर करने जरूरी हैं, ठीक है। बिल्ट परिसर की बात करें, खेल परिसर की, तो वो फरीदाबाद के अंदर। तो बिल्ट के अंदर दोस्तों बिल आ रहा है, क्या आ रहा है, बिल। और बिल जब घर पर हमें देने आते हैं तो फ्री में देके जाते हैं, बिल तो फ्री में देके जाएंगे, और फिर जब हम बिल भरने जाते हैं तो पैसे लगते हैं, तो ऐसे हम कवर कर लेंगे। और फुटबॉल बिल्ट स्टेडियम हमारा दोस्तों हमारा यमुनानगर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन स्टेडियम। अर्जुन नाम का एक बंदा दोस्तों जिद्दी है, सीधी सी बात है, अर्जुन नाम का एक बंदा है, वो क्या है, जिद्दी है। और इस जिद का दोस्तों कारण क्या है, राइट ऑप्शन ये रहेगा, जींद। और इस जिद का कारण क्या है, वो एक लव करता है, एक लव। आजकल सबकी जिद है, सबकी क्या है दोस्तों, एक जिद है, एक लव करना है, क्या करना है, लव करना है, प्यार करना है, मोहब्बत करनी है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसका भी बी रहेगा, जींद के अंदर क्या हो जाएगा, जींद। अर्जुन नाम के बंदे को एक जिद है, और जिद क्या है, एक लव करने की, एक लव्य को पढ़ेंगे, एक लव करने की, एक लव्य में क्या आ रहा है, एक लव आ रहा है। और आजकल हर किसी की जिद है एक लव करना है, ठीक है, अंजाम चाहे कुछ भी हो। राइट ऑप्शन बी रहेगा, जींद। जींद को हम हमेशा जिद पढ़ते हैं। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम की दोस्तों हम बात कर रहे हैं। बंसीलाल की बात करें तो राइट ऑप्शन ए रहेगा हमारा, रोहतक। और रोहतक दोस्तों क्रिकेट जब खेलता है तो साथ में साथ बंसी भी बजाता है, बंसी, बांसुरी भी बजाता है, ठीक है। बंसी का मतलब दोस्तों बांसुरी भी बजाता है। जब जो रोहतास जो है जब क्रिकेट खेलता है तो साथ के साथ क्या बजाता है, बांसुरी भी बजाता है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों ए रहेगा हमारा, रोहतक। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम।
आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, राव तुला राम स्टेडियम स्थित है। राव तुला रेवड़ी, दोस्तों रेवड़ी जो खाने के लिए चीज़ आती है वो हम तुला के तो लेके आते हैं, और वैसे भी तुला राम रेवाड़ी से संबंधित है, तो ये हमारा ऐसे कवर हो जाएगा। तो दोस्तों लगभग हमारे सारे स्टेडियम जो है वो कवर हो चुके हैं। अब ले लेते हैं दोस्तों एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट। सबसे पहला स्टेडियम दोस्तों हमें कवर करना है, द्रोणाचार्य स्टेडियम स्थित है। द्रोणाचार्य स्टेडियम ट्रिक बनाई थी दोस्तों हमने, द्रोणाचार्य से जुड़ी हुई रोणा, द्रोणाचार्य में क्या आ रहा है, रोणा। और जब हमें दोस्तों रोणा आता है तब हमें क्या याद आते हैं, हमारे भगवान, हमारे ईश्वर, और भगवान से जुड़ा हुआ शब्द हमारा है कुरुक्षेत्र। और दोस्तों एक ट्रिक और जो है हम कवर कर लेते हैं ट्रिक के साथ अगला, वेलोड्रम स्टेडियम कहाँ स्थित है। वेलोड्रम की दोस्तों हम बात करें तो लोड, और जब लोड होता है तब भी हमें दोस्तों रोना ही आएगा, और रोना आएगा तो हम कुरुक्षेत्र, राइट ऑप्शन बी रहेगा, भगवान याद आएंगे और भगवान से जुड़ा हुआ शब्द है कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, हरियाणा राज्य खेल परिसर बिल्ड स्टेडियम। बिल दोस्तों बिल आते हैं फ्री में लेकिन भरने जाते हैं जब पैसे लगते हैं, ठीक है, बिल आते हैं फ्री में लेकिन भरने जाते हैं जब पैसे लगते हैं। और फुटबॉल दोस्तों बिल्ड स्टेडियम हमारा यमुनानगर के अंदर हो जाएगा। अर्जुन दोस्तों अर्जुन स्टेडियम की बात करें तो अर्जुन जिद्दी था, एक लव करना चाहता था अर्जुन, ठीक है, अर्जुन की बात करें तो एक लव करना चाहता था, जिद्दी था, अंजाम चाहे कुछ भी हो लव का लेकिन करना था उसको। तो आगे देखें तो चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम रोहतास, रोहतक को रोहतास पढ़ते आए हैं हम आज तक, तो रोहतास जो बंदा है दोस्तों वो बंसी बजाता है क्रिकेट खेलने से पहले या क्रिकेट खेलते खेलते बंसी बजाता है, ऐसी हमने ट्रिक बनाई थी। राव तुला राम स्टेडियम दोस्तों सभी को पता है, ठीक है, रेवाड़ी से जुड़ा हुआ स्थल है। रोणा हमारा हो जाता है। ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो ताऊ जब क्रिकेट खेलता है तो थोड़ा सा कूल रहता है, अदरवाइज तो उसका जो है पारा हाई रहता है, गर्म रहता है, गर्म से गुरुग्राम, ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम, ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम हमारा हो जाता है पंचकूला के, कूल, ठीक है। और भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमने जो है एक ट्रिक के साथ सारे कवर कर लिए हैं, हो सकता है इनमें से कभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए तो शायद आप गलत ना करो। भीम स्टेडियम, बी से दोस्तों भिवानी हो जाता है और बी से ही हमारा भीम हो जाता है, ठीक है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम हम कर चुके हैं। सुभाष चंद्र बोस, बोस आज जितने भी हुए हैं आज तक दोस्तों बोस जितने भी हुए हैं एक पल भी हमें आराम नहीं करने दिया, ये रियलिटी है, इतिहास गवाह है इस चीज़ का। और दोस्तों हम देखें खरगा, और खरगा दोस्तों गोल्फ कोर्स की बात करें तो खारे, खरगा के अंदर खारे शब्द आ रहा है, और खारे दोस्तों क्या नहीं होते, आम नहीं होते, सिंपल सी बात है, आम जो है वो खारे नहीं होते। और इसके बाद देखें भगत सिंह स्टेडियम, भक्ति के भावना के अंदर जो लीन रहते हैं उनका दोस्तों उनके अंदर बड़ा रस होता है, मैंने तो बहुत बार देखा है, आप भी देखिए जरूर, भक्ति के अंदर जो लीन रहते हैं उनके अंदर बहुत रस है। मार्क्स जिनके अच्छे आते हैं उनको शाबाशी मिलती है। और नहर, हर नहर के अंदर हर आ रहा, और हरी का नाम सिर्फ ऐसा रह गया जो फरी में लिया जा सकता है, और कुछ भी जो नहीं रहा। नेहरू गुरु थे दोस्तों एक टाइप से, नेहरू क्या थे, गुरु थे, बच्चों के क्या थे, गुरु थे नेहरू के अंदर, वैसे भी पंडित जो थे वो गुरु होते थे प्राचीन काल में, अगर ऐसा हम इतिहास उठाएं। बलिदान हमारे दादाओं ने बहुत दिया है बलिदान दोस्तों, महात्मा गांधी ने चरखा चलाकर भी बहुत दिया, तो ऐसी हमने ट्रिक बनाई थी जिसके साथ हमारे सारे के सारे स्टेडियम जो है कवर हो जाते हैं। वीडियो को दोस्तों एक लाइक जरूर कर दें, नेक्स्ट किस टॉपिक पे हम फनी ट्रिक के साथ वीडियो बनाएं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक नमस्कार, जय हरियाणा, जय भारत।